होती है इस टाइम हाफ ऑफ देम के ऐसा कुछ नहीं है. हर बार अगर पापा आते हैं तो हर बार मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही यू नो स्पेशल होता है. तो थोड़ी बहुत तैयारियां ऐसा की है क्योंकि मुझे कुछ फ्लोरल चाहिए था, मुझे कुछ वाइट और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन चाहिए था. लेकिन मैं पापा 7 दिन के रखती हूँ तो रियल मोगरा और रियल गेंदे के फूल तो पॉसिबल नहीं हो पाते, तो मैंने सोचा क्यों ना आर्टिफिशियल.
बट ये आर्टिफिशियल किसी रियल से कम नहीं लग रहे हैं, तो इसलिए पापा के लिए स्पेशल गणेश चतुर्थी के लिए ऐसा थीम सोचा ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, थोड़ा क्लासी दिखे, थोड़ा रॉयल दिखे, एंड आई होप वो रॉयल दिख रहा होगा। वैसे देखा गया प्रसाद में भी काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर करी जाती है, तो आपने मोदक तो मैं बाहर से ही लेकर आई थी बिकॉज मुझे मोदक बनाने नहीं आते हैं, बट मम्मी ने खीर और आलू पूड़ी और छोले ये सब जो होता है वो भोग में चढ़ाया। और मेरा ऐसा मानना है कि आजकल लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत लोगों को डायबिटीज़ हो गई है, लोग मोदक नहीं खाते हैं, तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि आई शुड यू नो ऑफर गणपति समथिंग जो लोग खा सकें, जो लोग अनादर नहीं करें, जो लोग आज नहीं तो कल खाएंगे। तो मैं हमेशा से हर साल से पापा को चॉकलेट्स खिलाती हूँ, कैडबरीज खिलाती हूँ और फ्रूटी भी पिलाती हूँ, तो ये सब मैंने रखा है ताकि कोई छोटा बच्चा आता है दर्शन के लिए तो वो बहुत ही अच्छे से यू नो बहुत ही भाव से वो फ्रूटी ले लेता है, अच्छे से पीता है, वेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे कुछ मैंने प्रसाद रखे हैं जो ना भी नहीं बोल पाए और उसका अनादर भी ना हो। एब्सोल्युटली बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, मतलब पापा के आने से एक दो महीना पहले तो मुझे ऐसा होता है कि अगर कुछ चीज़ें मिलती नहीं है तो मेरा बीपी लो हो जाता है, कि ऐसा लगता है ओ शिट यार अब मेरा थीम का क्या होगा, मैं ऐसा क्या होगा, ये कलर कॉम्बिनेशन वो कलर नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ वो, और एवरी टाइम ऐसा होता है कि एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है और वो हार्ट अटैक, मिनी हार्ट अटैक ज़रूर आता है मुझे। बट पापा आ रहे हैं, वो तो सारे विघ्न हरता है, वो सारे मेरे विघ्नों को हरते हुए बहुत अच्छे से आते हैं। हम लोगों ने बहुत प्यार से यू नो सजावट की है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने आके भले एक एक टेप लगाया है, जैसे मनीष गोपलानी वो आया था उसने बस एक टेप लगाया है, बट फिर भी बहुत मेहनत की है। मेरे दोस्तों ने ये सब उनके लिए सजाया है और किसी भी चीज़ की कमी ना हो ऐसा हमने कोशिश की है कि पापा का स्वागत जितने ज़ोरों शोरों से हो हमने ट्राई किया है कि उतने अच्छे से हो। मांगने की लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है, पर जब भी मांगने जाती हूँ तो सिर्फ थैंक यू के अलावा कुछ नहीं निकलता मुँह से। बहुत डायलॉग जैसा फील हो रहा होगा बट एक्चुअली यही है कि बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पापा का। मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन मुझे सिर्फ गणपति पापा दिखते हैं, एंड आई एम ही इज़ माई फेवरेट लॉर्ड। मैं इनको बहुत लाड करती हूँ, समटाइम माई मदर सेज़ की तो पागल हो गई है, शी इज़ गॉन मैड, बहुत लाड करती हूँ, रात में जब ही सो जाते हैं इनको उठा उठा के बातें करती हूँ, तो बस बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरा जो इनके साथ कनेक्शन है, जो इमोशनल टच है वो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही स्पेशल है। दिस टाइम नो इको फ्रेंडली फॉर मी, बट फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम से इको फ्रेंडली, बिकॉज क्या होता है इको फ्रेंडली जो गणपति होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं यू नो, और मुझे थोड़े बड़े थोड़े अच्छे यू नो फैट गणपति चाहिए होते हैं, जो इको फ्रेंडली में अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाते हैं, और अगर बनते हैं तो काफ़ी हैवी हो जाते हैं। बट नेक्स्ट टाइम से फॉर श्योर इको फ्रेंडली, एंड दिस टाइम दिस पापा जस्ट ग्रैब माई आईज, और मुझे लगा कि नहीं इस बार इनको बिठा लेती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम से इको फ्रेंडली। बट येस इको फ्रेंडली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिस तरह से विसर्जन के बाद उन्हें इमर्स करने के बाद जिस तरह से पापा की यू नो तस्वीरें सामने आती है, दिल को बहुत दुख पहुँचता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर इको फ्रेंडली। फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से इतना प्यार बरसाते हैं उसी तरह मेरे पे प्यार बरसाते रहिए, आपकी ब्लेसिंग्स, आपके यू नो वेल विशिंग, ये सारी बहुत ज़रूरत है एज एन एक्टर, हर एक्टर को चाहिए कि वो उसको अप्रिसिएशन किसी भी वे में मिलती रहे, तो आप मुझे वो बहुत अच्छे से भेजते हैं, उसके लिए थैंक यू। और बहुत जल्द स्क्रीन पर आऊँगी और आप लोगों का फिर से दिल बहलाऊँगी, और जिस तरह से आप मुझे नफ़रत करते आए हैं बहुत जल्दी आप दोबारा मुझे नफ़रत करेंगे। थैंक यू।